पार चढ़ावे मैं देता तुमासे भैया की स्वरूप कवर मने तेरी अड़का चाहते हो उल्टी गंगा पार चढ़ावे मैं देता तुमासे भैया चढ़ावे मैं देता तुमासे एक समय की बात है। मसूर धारा नगरी में राजा खड़क सिंह राज करते थे। उनके घर में एक रानी थी जिसका नाम रूपवती था। वह बड़ी पतिव्रता और नेक औरत थी। राजा के दो पुत्र थे, बड़े लड़के का नाम रूप और छोटे का नाम बसंत था। कुछ समय बाद रानी बीमार पड़ जाती है। एक दिन रानी राजा से क्या कहती है ये देखिए। चीता कैसेट कंपनी के माध्यम से भाग नंबर एक, रूप बसंत। हे भगवान, यह बीमारी तो दिखा है, मेरी जान लेके छोड़ देगी। बतेरे वैद्यांत दिखा ली, डॉक्टरांत दिखा ली, कोई आराम नहीं। इब तो मनीषा लग गया सा, कदे वाकानी ना बन जा। जो एक दिन वो चिड़िया के घोंसले में देखी थी, चिड़िया मर गई थी और उसके दो बच्चे थे। चिड़े ने दूसरा ब्याह करा लिया, दूसरी चिड़िया नाते ही हर दोनों बच्चे जमीन पर पटक दिए थे और मर गए थे। कहते मेरे बाल का गल भी वाय बात ना बन जा। हे भगवान, हे क्या करूं मैं बेटा रूप। हाँ माँ बोलो, क्या बात है? बेटा मेरा दोहराओ, बेटा बसंत। हाँ माँ। मेरे पास आओ बेटा। आ गई माँ, बोलो। बैठ जाओ मेरे पास, बैठ जाओ बेटा। माँ आप आज क्यों रो रहे हो? बस बेटा रोना रही आज मैं थारे छक्के लाड करना चाहूँ बेटा। हाँ मेरे बेटा, मेरा बेटा रूप, मेरा बेटा बसंत। माँ। हाँ बेटा। आज आप ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कुछ ना करी बेटा, मैं तो बोला ना जाता। यूं कर, यो पानी का गिलास दे रहा बेटा, यो पकड़ा दे, अलग सो गया मेरा कति। लो माँ। माँ आप कहीं जा रहे हो? बोलो ना माँ, बोलो ना माँ। टे मैं थारे पास हूँ, कहीं कितना नहीं जाऊँ। माँ फिर मैं खेलने चला जाऊँ? बेटा आज तो मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहूँ। बेटा रूप। हाँ माँ। अपने पिताजी ने तंग मत करियो बेटा। माँ। हाँ बेटा। खेलो, पिताजी भी आ गए। रानी। माँ महाराज। ये आँखों में पानी कैसे? बस महाराज के बताऊ, मन दिखा है, मेरा आखिरी समय आ गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत कहो रानी, ये कभी नहीं होगा। ये तो बस होने वाला है महाराज, ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं रानी, मैं दुनिया भर के वैद्य इकट्ठे कर दूंगा, ये कभी नहीं होगा। अरे ये सोचो भी मत। वैद्य डॉक्टर सब फैल हो लिए, अरे तो बस मेरा टाइम आ लिया भगवान के दरबार में जाने का। नहीं रानी, इस तरह मत बोलो। एक बात कहना चाहूँ महाराज। क्या बात? बस कर्ण की हिम्मत नहीं हो रही है। नहीं नहीं रानी, इस तरह मत करो, क्यों इतना दिल घबराती हो अपना? मरना तो महाराज, बस अपने रूप
और बसंत की चिंता है। क्या बात करते हो रानी, अपने रूप बसंत के लिए किस चीज की कमी है? महाराज मुझे एक वचन दो। आज ये बातें बहकी बहकी क्यों कर रही हो रानी रूपवती? मन ने जो कहा है महाराज वो करो, मन वचन दो। दूसरी शादी नहीं करवाओगे मैं मरने के बाद? ओहो रानी, क्यों इतनी घबरा रही हो आज? बस ये तो चिंता है, तुम तो अपने रूप पर बसंत की है महाराज, कदे मेरे बच्चे ठोकरों में ना मिल जाए। देखो रानी, आप भी ठीक हो जाओगी और अपने बच्चे हैं ये भी ठीक हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और क्यों इतनी सोच में पड़ी हो? नहीं महाराज, मेरी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। और महाराज बस मैंने एक वचन दे दो। हाँ बोलो रानी। मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करवाओगे? ठीक है रानी, मैं वचन देता हूँ मैं दूसरी शादी नहीं कराऊंगा, पर तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? महाराज मेरे को चिंता है तो अपने रूप और बसंत की चिंता है महाराज। नहीं रानी, भगवान पर भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रही हो। महाराज मैं जो कहना चाहती हूँ वो सुनो। चिड़िया के दो बच्चे थे, दूजी चिड़ी ने मार दिए। मैं मर गई तो मेरे बच्चा ने मत ना दुख भर तार दिए। एक चिड़िया के दो बच्चे थे, दूजी चिड़ी ने मार दिए। मैं मर गई तो मेरे बच्चा ने मत ना दुख भर तार दिए। मैं मर जा
पिताजी मैं चुप क्यों होगी? माँ हमसे बातें क्यों नहीं कर रही? माँ को क्या हुआ? बेटा तुम्हारी माँ ठीक है, बिल्कुल सो रही है तुम्हारी माँ। देखो देखो पिताजी, माँ तो आंखें भी नहीं खोल रही है। नहीं नहीं बेटा, आओ मेरे पास आओ। पिताजी हम तो माँ के पास रहेंगे। माँ माँ उठो पानी पी लो, माँ बोलो ना। बेटा अपनी माँ को जगाओ मत, आजो मेरे पास आ जाओ। पिताजी माँ क्या सोई हुई है? हाँ बेटा तुम्हारी माँ सोई हुई है। नहीं माँ सोई नहीं है। माँ हम आपको तंग करते हैं इसलिए आप हमसे रूस गए। माँ हम आपको तंग नहीं करेंगे, हम कान पकड़ते हैं, आप हमसे बातें करो, बोलो माँ। देखो बेटा तुम्हारी माँ थकी हुई है और ये सो रही है, आज आप मेरे पास आओ। नहीं पिताजी हम माँ के पास रहेंगे, हम माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बेटा आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? पिताजी आप झूठ बोल रहे हैं, हमारी माँ सोई नहीं है, हमारी माँ तो भगवान के पास चली गई है। पिताजी क्या हमारी माँ मर गई? नहीं बेटा आपकी माँ मरी नहीं है, इसको नींद आ रही है बेटा, और ऐसी नींद भगवान किसी बच्चे की माँ को नहीं सुलाए। नहीं आओ बेटा आओ। नहीं पिताजी हम माँ के पास रहेंगे। आओ बेटा रूप बसंत आओ मेरे पास। मैं भी माँ के पास रहूँगा। माँ तू हमें अकेले छोड़ के क्यों चली गई? क्यों बैठे हैं पिताजी? माँ की याद आ रही है। पिताजी आप बोलते क्यों नहीं? माँ अच्छी थी ना? पिताजी बोलो ना। हाँ बेटा तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी थी। देखो भैया जब माँ थी पिताजी कितना खुश रहते थे, जब से माँ भगवान के पास गई है पिताजी उदास रहते, खाना भी नहीं खाते। हाँ बसंत भैया हाँ। पिताजी आप हमसे बातें क्यों नहीं कर रहे? पिताजी आप हमें खेलने के लिए भी नहीं ले जाते। नहीं बेटा आपको खेलने के लिए जरूर ले जाऊंगा, सारे दिन अकेले बैठे रहते हैं, है ना भैया? बसंत भैया मैंने देखा है पिताजी रात को छुप छुप के रोते रहते हैं। नहीं बेटा मैं नहीं रोता, क्यों रो मैं? पिताजी आज के बाद मत रोना, हम भी नहीं रोएंगे। नहीं नहीं बेटा आजो मेरे पास आजो। चलो पिताजी अंदर चल के खेलते हैं। चलो आजो अंदर चलते हैं। आप भी मेरे साथ खेलना। हाँ, मैं भी खेलूंगा। रानी के मरने के बाद राजा खड़ग सिंह उदास रहने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद वजीर मंत्री राजा से कहने लग जाते हैं कि हे राजन कृपया आप अपनी दूसरी शादी कर लो, नहीं तो आप हर समय रानी रूपवती के गम में डूबे रहोगे, दूसरी रानी आ जाएगी तो कुछ दिन बाद पहली रानी को भूल जाओगे। प्रेमियों राजा तो इनकार करता है क्योंकि रानी रूपवती ये कहकर मरी थी कि हे पति जी आप मेरे मरने के बाद दूसरी शादी मत करवाना, लेकिन बार बार मंत्रियों के दबाव में आकर राजा ने दूसरी शादी कर ली
आगे क्या हुआ? पिताजी पिताजी अंदर कौन है? बेटा ये तुम्हारी नई माँ है। नई माँ? हाँ बेटा। नई माँ कैसे होती है पिताजी? बेटा जैसी आपकी अपनी माँ थी ऐसे ये माँ है आपकी? नहीं पिताजी, हमारी माँ तो बहुत अच्छी थी, ये हमारी माँ जैसी तो नहीं दिख रही। पिताजी क्या ये माँ भी हमसे उतना ही प्यार करेगी जितनी हमारी माँ करती थी? हाँ बेटा बिल्कुल करेगी, उतना ही प्यार करेगी तुम्हारी। क्या हमें कहानी भी सुनाएगी? तुम्हारे को कहानी भी सुनाएगी, तुम्हारे लाड भी करेगी बेटा। अच्छा, ये तुम्हारी माँ है बेटा। अच्छा भैया, नई माँ के पास चले। भैया नई माँ मारेगी तो नहीं? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं मारेगी, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। ठीक है भैया चलो माँ के पास चलते हैं। मामा हमें गोदी ले लो। दूर हटो, चले आए दोनों के दोनों मुंह उठाकर। माँ प्रणाम। हो रही है आपकी प्रणाम, निकल जाओ यहाँ से दोनों, और मेरे आसपास फटकने की जरूरत नहीं तुम दोनों को, मुझे तुम एक फूटी आंख नहीं सुहाते दोनों जाने। माँ पिताजी तो कह रहे थे कि आप हमारी माँ हो। हाँ थी तुम्हारी माँ, लेकिन वो मर चुकी है और मैं तुम्हारी कोई माँ वाँ नहीं हूँ। चलो भैया ये हमारी माँ नहीं है। रानी क्या बात है महाराज? ये बच्चे तो इतने प्यार से आए हैं माँ माँ कहते हुए, और आप इनके साथ ये व्यवहार कर रही हो? महाराज मैं तो इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगी, और आपके भी मैं कान खोल देती हूँ इस बारे में कि मैं इनको एक आंख नहीं देख सकती अपने महल में। नहीं रानी ऐसा मत कहिए, देखिए मैंने शादी आपके साथ इसलिए की थी कि मेरे बच्चों को माँ मिल जाए, और आप इनको क्यों दुत्कार रही हो? दुत्कारूं नहीं तो और मैं इनको क्या करूं, और वैसे भी कौन सा मैंने इनको अपने पेट से जन्म दिया है, ये तो मेरे सौतेले बच्चे हैं। नहीं रानी देखो इनको अपने बच्चे समझकर अपने गले से लगाओ। रानी रहने दो महाराज, ये ढोंगबाजी मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको आखिरी बार ये बता देती हूँ कि या तो आप अपने बच्चों के साथ रह लो और या फिर मेरे साथ रह लो, वरना महल से या तो इनको निकाल दो और या मेरे को निकाल दो। नहीं रानी साथ आपको रहना पड़ेगा। रानी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो रानी। महाराज ये तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है रानी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अपने बच्चों का रहने का प्रबंध अलग कर देता हूँ। मैंने सोचा तो क्या था और आपने करके क्या दिखा दिया रानी। अब भी सोच लो रानी, बेचारे बिन माँ के बेटे हैं रानी ये। महाराज मुझे बार बार ये बात कहकर आप मजबूर ना करें, मैंने आपको एक बार कह दिया कि मुझे ये बच्चे फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। तो आप रानी नहीं मान सकती ये बात? नहीं महाराज कदापि मैं ये बात नहीं मानूंगी। ठीक है रानी, जो भी आप कर रही हो अच्छा नहीं कर रही। प्रेमियों, राजा ने मजबूर होकर रूप व वसंत दोनों के रहने का प्रबंध अलग कर दिया। समय बीतता गया, दोनों भाई जवान हो जाते हैं। एक दिन दोनों भाई गेंद खेल रहे थे, गेंद मौसी के महल में चली गई। होनी बलवान होती है, गेंद लेने के लिए बड़ा भाई रूप महल में पहुंच जाता है। आगे क्या हुआ? मौसी जी प्रणाम। ओ मेरे महल में इतना सुंदर नौजवान, कौन हो तुम सुंदर नवयुवक और कैसे आए मेरे महल में? मौसी जी मैं आपका बड़ा बेटा रूप हूँ, और आपके महल में मेरी गेंद आ गई है। मौसी जी वो गेंद मुझे दे दें। इतने सुंदर नाम के साथ ये बेटा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता है आपको? एक तरफ तुम्हारी जवानी और खूबसूरती है, और दूसरी तरफ मेरी जवान अवस्था और मेरी खूबसूरती की तरफ देखो, मेरी जोड़ी तो तुम्हारे साथ ही सही मिलती है। मौसी कैसी बातें करती हैं, ये बातें कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? हम आपके बेटे हैं, हम आपके बेटे हैं मौसी जी, आप हमारे पिता की पत्नी हो। पिता की पत्नी? किसकी बात कर रहे हो? उस बूढ़े की? और वो तो बिल्कुल बेकार है, वो मेरे लिए और मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता।
मेरी जिंदगी में तो तुम्हारे जैसा सुंदर नवयुवक मायने रखता है। तुम्हारे साथ ही मेरी जोड़ी सही मिलती है। कैसी बातें करते हो मौसी, कैसी बातें करती हो। आज से माँ बेटे का पवित्र रिश्ते पे कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझे क्षमा करे, मेरी गहन दे दे मौसी। नवयुवक, कौन से माँ बेटे के रिश्ते की बात कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है? कोख से जन्म तो नहीं दिया, लेकिन मौसी में और माँ में अंतर क्या होता है? मौसी मेरी गहन दे दे, मुझे जाने दे। आज के बाद मैं आपके महल में कभी नहीं आऊँ। नहीं नवयुवक, ऐसी बातें करके मेरे मन को ठेस लगती है। चलो आप एक बार मेरे साथ अंदर चल के थोड़ी देर बैठो, विश्राम करो, फिर चले जाना। नहीं 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 मौसी, आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हैं? क्यों उल्टी गंगा चढ़ाती हो मौसी, मुझे जाने दे। अरे रूप, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? एक बार तो मेरी तरफ सोच के देखो, आखिर मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। मौसी हमें माफ कीजिए, ये गहन दे दे, बाहर मेरा भाई इंतजार कर रहा है, हम दोनों खेलेंगे, बेकार में अपना समय व्यर्थ न करें, मौसी गहन दे दे। रूप, कौन सा समय व्यर्थ होगा? तुम्हारे साथ तो मेरा पल पल इतना अच्छा जाएगा कि मुझे हर तरफ एक अनोखी छटा ही नजर आएगी। मौसी कुछ तो शर्म करो, तुम क्या कह रही हो, क्या कह रही हो मौसी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक माँ अपने बेटे के सामने क्या कह रही है। देखो रूप, अभी तो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, और जब तुमने मेरा क्रोध देख लिया ना, फिर तो तुम मेरी बात को अपने आप ही मानोगे। मौसी, जो आपने दंड दिलवाना है वो दंड दिलवा लेना, जो कुछ आपने करना वो कर लेना, गहन देनी हो तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। देखो रूप, मैं तुम्हें अब भी प्यार से एक ही बात बार बार समझा रही हूँ, मेरे मन की इच्छाओं को जानने की कोशिश करो। अरे शर्म कर मौसी, शर्म कर, मैंने कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं जानना, जो आपसे बने कर लेना। ठीक है रूप, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते तो तुम भुगतोगे, और अपना अंजाम भी देख लेना। अभी तुम मेरे हथकंडों से वाकिफ नहीं हुए हो, और तुमने अभी तो मेरे त्रिय चरित्र देखे ही नहीं है। ठीक है मौसी, जो आपने करना हो कर लेना, हम जा रहे हैं। ठीक है, अगर तुम मेरी इच्छाओं को दबा कर जा रहे हो तो तुम इसका परिणाम जरूर भुगतोगे। रानी। हाँ महाराज, आओ। ये माथे पर त्योड़ी, बिखरे बाल, क्या बात है रानी? महाराज, आप मेरी हालत को देख के क्या अंदाजा नहीं लगा सकते? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, क्या बात हुई, सच सच बताओ। महाराज, ये मेरी टूटी चूड़ी और ये मेरी सारी हथेली और मेरी कलाई लहू लुहान हुई पड़ी है महाराज। आप अब भी देख के क्या सोच विचार नहीं कर सकते? कौन है वो इंसान जिसने ऐसी हालत बनाई है? महाराज, मैं अगर आपको ये बता दूंगी तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे, और ये जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसक जाएगी महाराज। बताओ रानी, मैं उसका सिर तार दूंगा। महाराज, मेरे साथ जितनी बुरी आज बनी है, भगवान किसी के साथ उतनी बुरी ना बनवाए। रानी, एक बार बताओ कौन है वो कमीना? महाराज, अगर आप इतना ही दबाव मेरे पे दे रहे हैं तो मैं अगर आपको उसका नाम बता दूंगी तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कैसा है। रानी बताओ तो, नाम बताओ। महाराज, वो आया था और उसने मुझसे पता नहीं कैसे कैसे सवाल जवाब किए, और बोला कि तेरा पति तो एक बूढ़ा आदमी है। अच्छा। और तेरी अवस्था जवान है, तू खूबसूरत है। अच्छा। और तेरी जवानी खूबसूरती को देखकर मेरा दिल तेरे पे फिदा हो गया है, और तू मेरी बात को मान जा और मुझसे शादी कर ले। मेरे को आकर वो यूं बोला और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा महाराज। कौन था रानी, ये तो बताओ, और मेरी सब्र की परीक्षा मत लो रानी। हाँ महाराज, अगर मैंने आपको बात बता भी दी तो मैं इतना भी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप उल्टा दोष मेरे मथे मंड देंगे। नहीं रानी, ये नहीं हो सकता, अब नाम बताओ उसका। नहीं महाराज, मुझे पता है आप मेरे पे ही दोष लगाएंगे कि तू ही दोषी है, तेरी अवस्था ही ऐसी है और तूने ही उसके साथ ऐसा कुछ किया होगा। रानी क्या बात कह रही हो आप एक बार नाम बताओ तो। ठीक है महाराज, इतना दबाव दे रहे हैं तो वो आपका दूर का रिश्तेदार नहीं, आपका अपना खून, आपका अपना बेटा रूप था। नहीं रानी, ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हो। रानी ये क्या कह दिया आपने, मेरा बेटा रूप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ महाराज, देखा, मैं तो आपको पहले कह रही थी कि आप दोष मेरे सिर ही लगाएंगे, मुझे पता है महाराज, आपका बहुत अच्छे से पता है महाराज। रानी, मैंने अपना बेटा रूप बचपन से पाला है,
और वो ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकता। आप झूठ बोल रही हो। क्यों महाराज, क्यों हरकत नहीं कर सकता? क्या उसकी अवस्था जवान नहीं, वो खूबसूरत नहीं, उसकी कुछ इच्छाएं नहीं? नहीं रानी, मैं मान नहीं सकता। और अपना गुस्सा ठंडा करो, उठो। लेकिन मेरे को विश्वास अब भी नहीं हो रहा, क्या बात है? हाँ महाराज, क्यों विश्वास करोगे मुझ पर? झूठी हूँ ना मैं तो, चरित्रहीन हूँ, मुझ पे क्यों आप विश्वास करेंगे? और वो तो आपका पुत्र है ना। और महाराज, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने उसे इतना समझाने की कोशिश की कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। अच्छा। लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, सगी माँ नहीं तो माँ जैसी तो हूँ। और कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम अपने बाप की इज्जत का ख्याल तो कर ले। लेकिन महाराज, अच्छा। उसने मुझे पता है क्या पलट कर जवाब दिया? क्या दिया? कहने लगा वो तो एक बूढ़ा आदमी है, बेकार है, तेरे लायक नहीं है वो। उसकी ये हिम्मत? हाँ महाराज, बोला कि तेरी जोड़ी तो मेरे साथ ही मिलती है, बस, तेरे बस। बाप के साथ नहीं मिलती। और महाराज, और सबसे बड़ी बात, बोला कि मेरा बाप ऐसे बाप होते हैं। अच्छा। अगर मेरा बाप होता तो हमें ऐसे अलग ना करता। अच्छा। हाँ महाराज। ठीक है रानी, मैं उसके लिए अभी फरमान जारी करता हूँ और उसको देश निकाला देता हूँ। बसंत। हाँ भैया। चलो घर चलते हैं, बड़े जोर की प्यास लगी है। चलो भैया। हाँ। मुझे भी प्यास लगी है। हाँ, आज बहुत खेले हैं, जल्दी चलो। ये क्या, मेरे लिए देश निकाला? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो पिताजी ने ये लिख के टांग दिया यहां? भैया क्या हुआ, आप बाहर क्यों रह गए? अंदर आओ भैया। ये देखो बसंत। क्या भैया? पिताजी ने मेरे लिए फरमान लिखा है, मेरे को देश निकाला दे दिया है। देश निकाला और आपको? मगर क्यों भैया? इस बात को मैं नहीं जानता, लेकिन पिताजी का हुक्म सिरमाथे, मुझे अभी जाना होगा बसंत, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ। नहीं भैया, कोई न कोई वजह तो अवश्य होगी, हम पिताजी के पास चलकर उनसे पूछते हैं। नहीं नहीं, पिताजी के पास नहीं जाएंगे, उन्होंने लिख दिया और मुझे अब देश से बाहर जाना होगा। बसंत तुम जिद ना करो, मुझे जाने दो मेरे भाई। नहीं भैया, कोई न कोई तो वजह होगी। बसंत, और तो कोई वजह नहीं, आज सवेरे हम गेंद नहीं खेल रहे थे दोनों भाई? हाँ भैया। मौसी के महल में गेंद गई? हाँ गई थी भैया। और मैं गेंद लेने गया? हाँ भैया। मैंने मौसी जी को प्रणाम किया तो मौसी जी ने पूछा तुम कौन हो, मैंने अपना नाम बताया। हाँ भैया। मौसी जी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। हाँ भैया, सही बात है। अरे पगले, एक बेटा न मान करके खुश हुई वो। तो मुझे शर्म आती है, मैं अपने छोटे भाई को कैसे बताऊं, इतने घृणित शब्द उसने प्रयोग किए, मुझे शर्म आती है। वो कहने लगी तुम्हारा बाप तो बूढ़ा है, तुम जवान हो, आओ खेलेंगे खाएंगे, ऐसी बातें करने लगी बसंत। और कहने लगी तुम्हारे साथ मेरी जोट मिलती है, तुम्हारे बाप के साथ जोट नहीं मिलती। क्या भैया ऐसा कहा? और मैंने साफ इनकार कर दिया, मौसी ये कदापि नहीं हो सकता, तुम मेरी मौसी नहीं, मेरी माँ के समान हो, मेरी माँ हो। सही है भैया। लेकिन वो अपनी तरिया हट पर आ गई और मुझे कहा मैं तुझे देख लूंगी, या तो मेरी बात को मान ले, नहीं तो मेरे अनेक रूप हैं, मैं फिर तरिया चलित्र करके दिखाऊंगी। तो हो सकता है बसंत, पिताजी को मौसी ने ही भड़काया है, और कोई कारण नहीं हो सकता। भैया अगर ये बात है तो हम अभी पिताजी के पास चलेंगे और उन्हें सारी हकीकत बता देंगे। नहीं बसंत, अब वो समय निकल चुका है, पिताजी फैसला करने से पहले अगर हमारे को बुलाते पूछते तो हम सारी हकीकत बताते पिताजी को, लेकिन अब कोई फायदा नहीं भाई,
मुझे जाने दे। नहीं भैया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, बसंत देश निकाला मेरे को मिला है, तुम मेरे साथ कहां दर दर भटकोगे, तुम यहीं रहो भैया। नहीं भैया, इस संसार में आपके सिवा मेरा और कौन है? जो आज आपके साथ हुआ है, क्या पता कल वही मेरे साथ हो जाए। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है बसंत, रो मत, इसे जो शाही वस्त्र हमने पहन रखे हैं, अब इनको हम यही निकाल कर चलेंगे। हाँ भैया। ठीक है, रो मत, ये वस्त्र निकाल दे मेरे भाई, निकाल दे। हाँ।
जगत में बात बड़ी या छोटी, मौसी कारण दपतावती, मौसी कारण दपतावती, छोटे टगर की मैया के मात सुनावांगे ना, शक्ल दिखावांगे ना, सारी मैया छोड़ के हम तेरी नगरी को चल दिया गानो वही अब वापस आवांगे ना, सकल दिखावांगे ना सारी बसंत बसंत क्यों अबीरा भाई कटा ले मैं काट दूं अपने भाई का रुक भी ये कोई बात नहीं भाई ये तो जिंदगी में हर चीज देखनी चाहिए इंसान ने और बसंत मैं तेरे को इनकार नहीं कर रहा था भाई मेरे साथ मत चल तू ना भाई चाहे कुछ भी चल लो भाई का गल रहूंगा बाकी भाई बुजुर्गा ने एक बात ठीक कही है मुकद्दर का निबेरा कहाँ ले जावा हाँ भाई आज मेरे एक बात याद आ रही है बसंत जाज मारी माँ जिंदा होंदी तो हम नू दर दर नहीं भटक दे हाँ भाई देश तनी निकाले जान दे अरे तरह क्यों काटे लाग दे बसंत आज मखमल बचा लनिया पर भाई कोई बात नहीं किस्मत की बात है बसंत धारा नगरी तो हम लिख लिए हैं बेरा हाँ भाई और शाम भी ढल दी भाई नु कर ले भाई थोड़ा सा आराम कर ले हाँ भाई बहुत थक के फिर आग चल लेंगे भाई यू पेट दिखा ना शामी हाँ भाई यो रहा हाँ चालीस का तला सो जाऊं चल भाई चल बीरा बसंत उठ ले भाई नींद का सदा है दुखिया रहा बसंत थक रहा मेरा भाई कदे इतना पाया चल रहा है उठिए बीरा बसंत उठ ले ना बसंत ओए बसंत की क्या गलती मेरी आंख ना खोल दे उठिए भाई हैं योगी योगी मेरा भाई का मुंह मजाक शरीर ढीला लग गया कोई नाग लड़की हे भगवान ये कौन से जन्म का बदला ले या नाग मेरा भाई का क्यों लड़ी मेरे क्यों ना लड़की मालिक हे मां मैं जी उधर क्यों कर जो मेरा जीने का एक सारा मेरा भाई था उसका भी नाग लड़की री माँ क्यों छोड़ के गई तो तुम्हारी जब दोनों भाई अलग क्यों लागे लेगी माँ भाई बसंत रे बोल तेरा बड़ा भाई बोल रे बसंत बोलिए मेरी माँ के जाए रे बोलता क्यों ना ईसा की जो लव कर रहा था आपने तो नया सजा दवाई माना था अरे माँ के जाए बोल रहे रे माँ के जाए बोल तेरा भाई बोल रहे भाई बिना जग में कोई नहीं रहे रे बसंत मेरे भाई रख दे तूने मेरे बिना रोटी नहीं खाई रे बसंत मन क्यों छोड़ गया मेरे माँ के जाए मैं क्यों कर जी कर क्यों कर मैं रोटी खा लूंगा भाई एक बार बोल रहे
पसंद बोलता क्यों ना ईसा मलिक के बुरा करया था रे भाई ने गला छोड़ गया रे माँ अरे भगवान तुम मन के अगरु के नहीं करो रे भाई रे मेरी माँ के जाए एक बदब बोले पड़े क्यों होया के नहीं होया राख वाले दिमाग आ जाए वाले रे बसंत रे मेरे भाई ओ भाई कैसी चीज जगत में और नहीं से प्यारी जंगल के मखड़ा ये कला रोद कलकारी भाई कैसी चीज जगत में और नहीं से प्यारी जंगल के मखड़ा ये कला रोद कलकारी एक जननी के दो बेटे थे बाग लखाया खोटा बालक अपन में मां मर गई थी बहुत गड़ा दुख हो क्या फिर पिताजी ने शादी कर ली दुख हो गया था मोटा मौसी की बात मेरे आगे पता ने दिया दसोचा दोनों भाई घर ते चले दोनों भाई घर ते चले बड़ी मुसीबत भारी जंगल के मखड़ा रे कला रोद कलकारी भाई कैसी चीज जगत में और नहीं से प्यारी जंगल के मखड़ा ये कला जो जलकारी घर ते लकड़े पाछे मारा सारा नक्शा झड़ गया जितना सुख था जंग मेला में सारा ठाट बिगड़ गया इतना गहरा दुख हो गया धरती ते अंबर बढ़ गया इब जंगल में भाई बसंत के काला विशियर लड़ गया मरिया देख के भाई बसंत ने मरिया देख के भाई बसंत ने ठाडू कलकी मारी जंगल के मखड़े कला रोद कलकारी भाई कैसी चीज जगत में और नहीं से प्यारी जंगल के मखड़ाए कला रोद कलकारी जनु को करके होगी ए मालक तेरा सरना होगा इतने जीव जिंदगी भरनो दुखड़ा भरना होगा कौन खता मेरी थाटी से हर कनरना होगा मांगे राम के भाई बना जी ते जीव मरना होगा ऋषि मुनि ना समझ सके ऋषि मुनि ना समझ सके ये प्रभु लीला थारी जंगल में मखड़ा रे कला
प्यारी जंगल के हे भगवान मकरू देखे करू जाऊं तो किस जाऊं उल्टा धारा नगरी में जाऊं अपने बाप ने बताओ कि मेरा भाई मेरे दूर नहीं था उड़े को नहीं जाऊं मकरू धक्के करू को राधे का मिले शेर मुर्गा मेरा भाई की लाश मेरे हाथ में इस नौ डाऊं तो कंपनी की जगह की ओर डाऊं करो धक्के करो मालिक करो धक्के करो मन को राधे का दे मेरे भगवान मन को राधे का दे रावण ने भी उड़े बुला ले मेरी माँ में के करो क्यों जन्म दिया था तेरे मारे नहीं को रा नहीं दिखता को आदमी नहीं दिखता जवान लाश मेरे आते मेरे भाई की जंगल के पेड़ पक्षी कोई तो मैंने सारा जो मैं क्या करूं बिना कपूर अपने भाई ने क्यों कर पुकू कोई राजा का कपन किता मेरा भाई का कपन किता ठीक से कोई न को राधा पाओगा कपन जरूर लेकर आऊंगा अपने भाई ने बिना कपन लाश नहीं पुकू मालिक मैं इतना कपन लेकर इतना नहीं लाश के देखे मनावट दिए मेरे भाई के लिए के बड़ी कपन लेकर लाश की तो रक्षा करती है इतना तो शान कर दिए मालिक इतना शान करती है